हुसैन साहब हैं, मेरा सादर अनुरोध है शाहनवाज साहब से कि आपको संबोधित करें, माननीय शाहनवाज जी। जी नमस्कार। कांग्रेस पार्टी की ये आदत बन गई है कि अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान और पड़ोस के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का सम्मान, आज जिस तरह की भाषा नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से बोली गई है, कांग्रेस ये बताए कि ये नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है या कांग्रेस का बयान है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं है, पूर्व में वो कई पदों पर रहे हैं, कई पार्टियों में भी रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वो कांग्रेस के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और उनका ये बयान कि जिस तरह से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहिए कि एक तरफ तो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष बाजवा खून का बदला खून की बात कर रहे हैं, भारत से बदला लेने की बात कर रहे हैं, वो भारत के हिस्से कश्मीर को भारत ऑक्यूपाइड कश्मीर बता रहे हैं। उसी मीटिंग में इमरान खान अलग से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के जरिए चर्चा हो भारत पाकिस्तान के बीच में, इसकी चर्चा कर रहे हैं, और पाकिस्तान के इन बयानों के बाद कांग्रेस की तरफ से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जा रहा है। मुझे दुख है कि भारत सरकार के एक राज्य के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान की शुक्रिया की बात कर रहे हैं और कहते हैं मैं पाकिस्तान सरकार के आगे नतमस्तक हूं, फिर कहते हैं कि वो दो कदम चलें तो हमें एक कदम चलने को कहेंगे, लेकिन आज नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान पर कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए कि कांग्रेस का वो बयान है या नवजोत सिंह सिद्धू का बयान है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हों इसके लिए एक नहीं अनेक बार कोशिश हुई है, और वो कोशिश एक सरकार नहीं अनेक सरकारों ने की है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी आज की जा रही है, पाकिस्तान को भी ये मालूम होना चाहिए कि भारत सरकार पूरी तरह सक्षम है। जनरल बाजवा के बयान को पूरी तरह से हम खारिज करते हैं, और उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से की गई है उसका हमें काफ़ी दुख है। हम ये मानते हैं कि इस बयान पर जब तक कांग्रेस सफाई नहीं दे, हम इसे राहुल गांधी जी का ही बयान मानते हैं। राहुल गांधी जी के करीबी हैं नवजोत सिंह सिद्धू, एक नहीं अनेक बार कह चुके हैं, इसलिए जनरल बाजवा का बयान और उसके बाद सिद्धू जी के जरिए उसका स्वागत, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। ऐसे कांग्रेस के नेता की ये आदत बन गई है कि अपने देश में प्रधानमंत्री के लिए, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग, अपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान और पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री और वहाँ की सरकार का गुणगान करने की जो उनकी लत लग गई है, ये देश की जनता अच्छी तरह से देख रही है। हम इस बयान पर राहुल गांधी जी की तरफ से सफाई चाहते हैं। मित्रों, आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, सुबह 10 बजे से 2 बजे तक
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के अध्यक्षता में राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक होगी, जिसमें प्रदेश अध्यक्षगण और प्रदेश महामंत्री संगठन वो सब इसमें शामिल होंगे। फिर 3 बजे से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक शुरू होगी, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे। ये बैठक पहली ऐसी बैठक है जिसमें अटल जी हमारे बीच में नहीं है। वो जब उनकी तबीयत नाशाज भी थी तो हमें ये भरोसा रहता था कि अटल जी हमारे बीच में हैं, लेकिन अटल जी के देहांत के बाद ये पहली बैठक है। ये बैठक में उनको हम लोग बहुत मिस करेंगे और ये अटल जी को याद करके अटल जी के बताए हुए पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प लेकर ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चलेगी। इसके अंदर राजनीतिक विषय पर तो चर्चा होगी ही, लेकिन अटल जी को ध्यान में रखकर हम सब उस पथ पर आगे बढ़ें, इसको लेकर भी हम उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इशारा किया है जब कल आप वहाँ पहुँचेंगे और देखेंगे तो आपको दिखेगा कि अटलमय होगी वो पूरी राष्ट्रीय कार्य समिति, और ऐसे तो पूरे देश में अटल जी को बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता मिले और उनके मार्गदर्शन पर चलकर पार्टी आज यहाँ पहुँची है कि हमारी 19 राज्य में हुकूमत है, हमारी देश में सरकार है और अटल जी को ध्यान में रखकर हर बार जब वो बैठक में नहीं आते थे तब भी उनकी याद बहुत आती थी, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति हो रही है तो उसमें अटल जी के बारे में भी चर्चा होगी, वो कल बताएंगे। समर्पित है हमारे बड़े हैं, उनका स्नेह आशीर्वाद सदा पार्टी के लिए हम सबके लिए रहता है और वो सदा रहेगा। एक मिनट रुक जाए। वो कल पदाधिकारी की बैठक के बाद हम सब उसको ब्रीफ करेंगे। पहले पदाधिकारी की बैठक 10 से 2 बजे होगी, फिर 3 बजे राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक प्रारंभ होगी, तो उसके बारे में फिर आपको बीच में ब्रीफ करेंगे। कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक दृष्टि से जो कुछ भी हम चर्चा करते हैं वर्तमान स्थिति पर, सब पे चर्चा हम करते ही हैं, इसलिए कल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जो प्रस्ताव आएंगे, एक एक प्रस्ताव पारित होने के बाद उसकी अलग अलग से हम ब्रीफिंग करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने के सरकार
नहीं, इस पे कैसे, कई बार दाम बढ़े हैं तो कई बार घटे भी हैं, तो जब बढ़े हैं तो फिर उसको घटाने के प्रयास भी हमने किए हैं, और देश की जनता को मालूम है कि दुनिया में जो इकोनॉमी की हालत है, रुपया और सिंगापुर डॉलर दो ही करेंसी ऐसी है जो डॉलर से मुकाबला कर पाए, और देशों की करेंसी का तो बहुत बुरा हाल हुआ है, और जिस तरह भारत के इकोनॉमी को मजबूत किया हमारी सरकार ने, उसको और मजबूत करेंगे, और कम से कम जनता पे बोझ पड़े इसके लिए सरकार काम कर रही है, और इसको हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, तो बात हो गई ना, मैंने तो कहा कल राष्ट्रीय कार्य समिति की, एक तो मैंने जनरल बाजवा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, दूसरा आपको राष्ट्रीय कार्य समिति के बारे में बताया है, और ये भी बताया है कि जब राष्ट्रीय कार्य समिति होती है तो पूरे दिन की चर्चा होती है, उसके बाद आपको जो भी चर्चा होगी वो कोई ना कोई प्रवक्ता आकर आपको बताते रहेंगे। नहीं, मैंने तो कहा कि जनरल बाजवा गलतफहमी में न रहें, जनरल बाजवा के बयान को हमने पूरी तरह से खारिज किया है। पाकिस्तान की आदत है, 1971 में जब बांग्लादेश में हारने के बाद भी जनरल एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे, तो कई बार लोगों ने पूछा कि क्यों खिला रहे हो, तो कहा कि नहीं, हम बचकर आ गए वहाँ से, इसलिए खिला रहे हैं। तो पाकिस्तान के जनरल्स की आदत है कि वो जब भी कोई माइक उनके हाथ लगता है, कोई समारोह होता है, तो अपनी सेना को का मोरल बूस्टअप करने के लिए वो इस तरह का बयान देते हैं, और साथ में कांग्रेस के चंद नेता का बयान भी उनको कोट करके खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं मालूम है, आपके तरफ से ये सूचना है, मैं पता करूंगा। वो तो उस पर तो हम चल ही रहे हैं, और अटल जी के ये जो राष्ट्रीय कार्य समिति है, ये पहले से भी हमारी तय थी, जो हमारी नियमता होती है, ऐसा नहीं है कि अन्य पार्टियों की तरह कभी कभी राष्ट्रीय कार्य समिति बुला ली गई, हमारे यहाँ उसका समय तय होता है, क्योंकि बीच में अटल जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो वो पूरा पखवाड़ा उसके वजह से हमने इसको डेफर किया था। अब राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है, तो हमारे सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे बीच में नहीं रहे, तो उनकी याद उस कार्य समिति में आएगी, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उस पर जैसे राष्ट्रीय कार्य समिति चर्चा करती है वैसे हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बिहार से आते ही हैं जी। मैं सूचना आप ही दे रहे हैं, तो आप मैं भागलपुर में था, रात भर ट्रेन में था, दिन भर मैं गोराडी, एक ब्लॉक है भागलपुर का, उसमें गांव-गांव दौड़े में था, तो न मैंने ट्विटर देखा, न मैंने टेलीविज़न देखा, फिर मैंने शाम में ट्रेन ले ली, पूरी रात ट्रेन में रहा, सुबह जहाज़ लेट था, सीधा आया, जुमे की नमाज अदा की और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया, तो उसमें मुझे समय मिला नहीं है। मैं पूरा जो सवाल आपने किए हम जाके उसको पूछेंगे, देखेंगे क्या क्या विषय है, अभी जो विषय है वो मैंने आपके सामने रखा है। हर बार देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति के दिल में बसते, और किसकी मोहब्बत अटल जी से ज़्यादा है और किसी से कम, किसकी कम है, इसकी तुलना नहीं हो सकती। पूरा हिंदुस्तान उनको मोहब्बत करता है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और जम्मू कश्मीर में भी
अटल जी को लोग बहुत प्यार करते हैं, और अगर अटल जी की जब तबीयत नाशाज थी तो कई मदरसों में कई मस्जिदों में उनके लिए दुआएं हुई हैं, और ये जो फतवे की राजनीति करते हैं, ये चर्चा में रहने के लिए अटल जी के नाम का सहारा ले रहे हैं, अटल जी के लिए तो हर जगह दुआ हुई है, तो कितने मुस्लिम को वो निकाल देंगे और कितने पे फतवा डाल देंगे। वो हिंदुस्तान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे, सबके लिए काम किया, सब लोग उनको पसंद करते रहे, और जो जम्मू कश्मीर में जिसने भी ये फतवा दिया है वो पूरी तरह से गलत है। अब फतवे की सियासत के पीछे देश चलता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।